सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने शहीद ए आज़म भगत सिंह का जन्मदिन मनाया। दोस्तों आपको बता दें, भगत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भगत सिंह ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। शहीद भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। आइए देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट ने किस तरह से भगत सिंह का जन्मदिन मनाया और शहीद भगत सिंह के बारे में क्या क्या कहा। आज़ादी के वो मकासद पूरे नहीं हुए जिन मकासद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, इसलिए आज़ादी के सिपाहियों की ज़रूरत है, कई भगत सिंहों की ज़रूरत है, ताकि उन मकासद को हासिल किया जा सके जिन मकासद के लिए तख्लीक पाकिस्तान की गई थी। भगत सिंह जो है ना, एक सिंबल है जमहूरियत का, एक सिंबल है पीस का, एक सिंबल है फ्रेंडशिप का, एक सिंबल है पाकिस्तान और इंडिया में हारमनी का। भगत सिंह को हम एक ऐसा शख्स मानते हैं जिसने एक लाइन डिटरमिन की, जिसने एक खामोशी को तोड़ा। मजहबी कुवतें वो उसको शहीद नहीं मानती, और जो मुल्क कौम के ऊपर जान दे वो शहीद है, इसमें कोई मजहब का तल्लक नहीं है। भगत सिंह हमारे पास वो एक हस्ती हैं जिनको बुनियाद बनाकर दोनों मुल्कों के हुक्मरान अगर नेक नीति से चाहते हैं कि अवाम के अवाम से रिलेशन हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, तो वैसे क्यों नहीं बुनियाद बनाते। मोदी साहब को और इमरान खान को लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिए थे कि वो आपस में लड़ाइयाँ करें और हमें एक दूसरे से ना मिलने दिया जाए। हिंदुस्तान के पंछी तो आज भी पाकिस्तान आते हैं, उनके पास कोई वीज़ा नहीं। पाकिस्तान के पंछी उड़कर इंडिया जाते हैं, उनके पास कोई वीज़ा नहीं। उसकी कुर्बानियों का इतराफ जिस अंदाज में भी जितना ज़्यादा हो सके वो बेहतर है, क्योंकि ये उसके उसको ट्रिब्यूट नहीं होगा, ये आज़ादी के तमाम सिपाहियों को ट्रिब्यूट होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ज़रूर दबा देना। मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।